तो नमस्कार। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देखते होंगे। तो दोस्तों, आज का सुबह का मेरा मॉर्निंग रूटीन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने बिस्तर उस्तर बिछा लिया है, मैंने बेडशीट चेंज कर ली है और मेरा और सब काम जितना भी कंप्लीट हो गया है। और मैं किचन में चलती हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है। पूजा जब हो चुका है, इस समय 9:30 बज रहे हैं। तो मैं 9:30 बजे आपको दिखा रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, मैं सब्जी आपको दिखा ही चुकी हूँ, बना रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ उसमें बैंगन डालने। तो बैंगन डालने के बाद से अब देखिए मैं क्या करती हूँ, चलिए सब्जी दिखाती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह मॉर्निंग रूटीन में बिजी रहते होंगे। हमको पता है कि सबकी ये लाइफ एक ही जैसी है, हम औरतों की लाइफ तो बिल्कुल एक ही जैसी है कि सुबह का उठना, मॉर्निंग रूटीन जो भी होता है, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को देखना, उनकी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी एक महिला के ही सिर पे रहता है। तो महिलाओं को भी ये जिम्मेदारी महिलाओं को ही निभानी पड़ती है, चाहे कि कोई किसी हाल में हो महिलाएँ, लेकिन उनको तो घर का ये सारा काम करना ही पड़ता है। तो कोई नई बात नहीं है। तो देखिए मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ सब्जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये रूम वूम सब साफ ऑफ कर दी हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गया खाना बनाने में, 9:15 बज रहा है। तो देख सकते हैं घड़ी में, अभी आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, 9:15 बज रहे हैं। तो मैं सारा काम कर ली हूँ, पूजा वूजा मेरा हो गया है और मैं अब किचन में चलती हूँ, क्योंकि किचन में भी मैं गर्म होता तब सारे काम कर दिया। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्जी। और देखिए उसके लिए मैंने प्याज, आलू और बैगन को काट लिया है। और यहाँ देखिए मैं अभी केले की सब्जी बनाऊँगी, तो इसको अभी काट लूँगी। और जब ये मेरा सब्जी, मैं इसको छौंक लगा लूँगी तब। और यहाँ देखिए मैंने डालने के लिए प्याज, यहाँ पे देखिए ये दाल में तड़का देने के लिए प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है और लहसुन है। यहाँ देखिए धनिया की पत्ती। और मैंने बैंगन की सब्जी में डालने के लिए अदरक काट लिया है और टमाटर है, मिर्ची है, लहसुन तो देख सके आप लोग देख लिए हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ अब ये सब कर चुकी हूँ। देखिए मैंने पूरा अपना कंप्लीट काम कर लिया है, कुछ बाकी नहीं है अभी। तो यहाँ देखिए मेरे दाल में थोड़ा सा पानी सूख गया है, कम हो गया है। तो मैं उसके लिए पानी को गैस पे देखिए खौला रही हूँ, खौला के मैं पानी डाल दूँगी तो थोड़ा पतला हो जाएगा दाल, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से गाढ़ी दाल ज़्यादा पसंद नहीं कोई करता है। तो हम देखिए पानी इसको डाल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी डाल रहे हैं। और मेरा तो यहाँ देख सकते हैं सब्जी भी मैंने छौंक लगा दी है। दोस्तों इतना यहाँ शोर होता है कि मैं तो कुछ एकदम डायरेक्ट बोल के तो मैं नहीं वीडियो बना पाती हूँ, देख लीजिए ऐसे ही मैं कर रही हूँ और बाद में ओवरवाइज करना पड़ता है मुझे। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं ओवरवाइज ही कर पाती हूँ, क्योंकि अब इधर अगल बगल इतना शोर होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसे ही ओवरवाइज करना पड़ता है। कभी गाड़ियों की आवाज़ तो कभी लोगों की, अगल बगल की पड़ोसियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो और इधर देखिए मैंने आलू बैंगन की सब्जी छौंक लगा दी है और इधर देखिए हो रहा है। और उसके बाद से देखिए मैं यहाँ पे केले की सब्जी को बना रही हूँ। और मेरा जो तड़का है देखिए मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है सारे तड़कों को, और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है करने की। तड़के को मैंने पहले ही एक ही बार में तैयार कर लिया है। तो धीरे धीरे ऐसे ही मेरा किचन में बीत जाता है। तो अभी हमारे यहाँ एक गेस्ट हैं, वो भी खाना खाते हैं, तो उनके लिए भी बनाती हूँ, क्योंकि अपने लिए तो कुछ भी कोई कर सकता है लेकिन गेस्ट को तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपको पता ही है अतिथि भगवान होते हैं और मेहमान को लोग भगवान की पदवी दिए हैं। तो इस तरह से कोई कमी ना रहे इसलिए अपने सतर्क होके कोई भी काम करना पड़ता है। और यहाँ देखिए मैं दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ, क्योंकि दाल में तड़का लगाना है। और मेरी दाल देखिए इस तरह से तैयार है और अब मैं दाल में तड़का लगा दूँगी।
तो दोस्तों आप लोग वीडियो मेरी फुल वॉच नहीं करते हैं और इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि अभी हम लोग पहली जो भी पोजीशन है हम लोगों की अभी बहुत ही डाउन चल रही है, क्योंकि हम लोग न्यू सब्सक्राइबर लोग तो हैं, वो लोग तो नहीं करते हम लोगों को सब्सक्राइब, और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी लोग सब्सक्राइब करें। और देखिए इधर मैं मसाले को तैयार कर रही हूँ, और देखिए इस तरह से मैंने एक भुजिया सब्जी बना दी और ये है जो तो मसाले वाली सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि केली की सब्जी होती है थोड़ी सी रूखी रूखी सी लगती है। यहाँ देखिए हमारे यहाँ किराना का बाज़ार हुआ है, ये देखिए बिस्किट है, दुकान ही है बिस्किट की लग गई है, इतना सारा बिस्किट। और ये है सोयाबीन दो पैकेट, अभी था सोयाबीन फिर भी इनके पापा लेते आए तो देख सकते हैं आप लोग ये पैकेट का ही सोयाबीन आ गया है मेरे घर। और इधर शाम का कपड़ा देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं तो इसको अभी फोल्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज है मंगलवार और आज है नहान है, कार्तिक का नहान जो होता है, गुरु नानक जयंती है आज, तो हिमांशु की छुट्टी है और हिमांशु देखिए अभी तक सोया है। इधर देख लीजिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को, इधर देखिए मेरा बेटा आज छुट्टी की वजह से देखिए सो गया है, अभी जगेगा नहीं। और मैं अभी तक देखिए ये सब तो नहीं की हूँ, लेकिन सुबह ही भोर में मैं जग गई हूँ क्योंकि आज है नहान, तो नहान का जो भी विधि होता है मैं कर ली हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने पूजा जा कर लिया आज नहान के दिन, सबकी पूजा करने के बाद से देखिए मैं गंगा माँ को यहाँ पे थाली में ही गंगा जी का स्मरण करके थाली में सब कुछ जो भी विधि होता है गंगा जी में चढ़ाया जाता है मैंने सब कर लिया है। मैंने फूल देखिए चढ़ाया है, पीपल का पत्ता था उस पर मैं देखिए दीपक भी जलाई थी, और मैंने यहाँ देखिए दक्षिणा के रूप में मैंने पैसे चढ़ाए हैं और यहाँ मैंने दीपक जलाया था जो कि इस समय बुझ चुका है, दिन निकल आया है। और यहाँ पे मैंने गंजी चढ़ा दिया है और यहाँ गंगा जी को मैंने स्थापित कर दिया है। तो जो भी विधि था मैं जितना जानती थी मैंने देखा सुना उस तरह से मैं कर ली हूँ, अगरबत्ती कपूर जला दी हूँ। और यहाँ देखिए गणेश जी के सामने लक्ष्मी माँ के सामने अभी दीपक जल रहा है, तो मैंने पूजा पाठ कर लिया है। और गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामना, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी कार्तिक का नहान जो होता है आप लोग सुबह उठ के नहा लिए होंगे। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।